नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। चुसूल के सामने चीन के मोल्डो में चली भारत चीन की बैठक बेनतीजा हो गई। भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और चीन की ओर से मेजर जनरल लियूनिन ने इस बैठक में हिस्सा लिया था। भारत ने साफ कह दिया कि चीन को सीमा पर अप्रैल 2020 वाली यथास्थिति स्थापित करनी होगी। उसे चीनी सैनिकों की संख्या कम करके तोपे और बख्तरबंद गाड़ियों को हटाना होगा, जिसके जवाब में चीन ने एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ने का संकेत दिया है। यानी अब मामला उस मोड़ पर आ गया है जहां से अगली डगर चीन की बैंड बजाने की तरफ जाती है। दोनों ही देश अपनी अपनी शर्तों पर अड़ गए हैं। इसी बीच बड़ी खबर आई है कि भारत ने अपनी सीमा में आर्टिलरी पूरी तरह मुस्तैद कर दी है। एयरफोर्स को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश मिला है। हालांकि विशेषज्ञों को अभी भी लगता है कि दोनों देशों के बीच किसी तरह का संघर्ष नहीं होगा, परंतु अभी तक जिस तरह की खबर निकलकर आई है उससे यही लग रहा है कि स्थिति बेहद ज्यादा तनावपूर्ण है। खासतौर से गलवान और पैंगतोसोसो में मामला ज्यादा गंभीर हो गया है। भारत चीन के कोर कमांडर की इस हाई लेवल मीटिंग में चीन की तरफ से भारत द्वारा एलएसी के करीब सड़क निर्माण का मुद्दा उठाया गया, जिसके जवाब में भारत ने उसे अपने इलाके में निर्माण कार्य की स्वतंत्रता बताया है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत एलएसी का पूरा सम्मान करता है। भारत जो भी निर्माण कार्य कर रहा है वह दोनों देशों के बीच ट्रीटी का उल्लंघन नहीं करता है, जबकि चीन ने फिंगर आर्ट से आगे कदम बढ़ाकर समझौतों को तोड़ा है। साल 1963 में स्वयं चीन ने एलएसी निर्धारित की थी, जिसे चीन आज खुद ही स्वीकार करने से इनकार कर रहा है। यानी मोदी की कूटनीति और भारतीय सेना की सामरिक रणनीति ने चीन के इर्द गिर्द चक्रव्यूह का घेरा बेहद सख्त कर दिया है। इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने के लिए चीन को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि मोल्डी में कोर कमांडर की यह बैठक खुद चीन ने ही बुलाई थी। भारत ने इसके लिए न कोई प्रस्ताव दिया और न चीन को इसके बारे में सुझाया है। इससे पता चलता है कि भारत के शिकंजे में फंसा चीन कितनी छटपटाहट में है। चीन समझ गया है कि उसका यह दांव इस बार उल्टा पड़ चुका है। दुनिया भारत के पक्ष को तवज्जो दे रही है। इस घटना ने विश्व में उसकी नकारात्मक छवि स्थापित की है। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि ट्रंप के मध्यस्थता वाले प्रस्ताव ने भी चीन की चिंता बढ़ाई है। जिनपिंग इसे अमेरिका द्वारा भारत को समर्थन के रूप में देख रहे हैं। दो दिन पहले पीएम मोदी और ऑस्ट्रेलिया पीएम मॉरिसन की बातचीत से भी चीन बैकफुट पर आया है। इसके अलावा एलएसी पर भारत की आक्रामक नीति और देश में चीन के खिलाफ बन रहे माहौल ने भी उसे घुटनों पर ला दिया है। परंतु बावजूद इसके चीन के प्रति लापरवाही भारत को भारी पड़ सकती है। चीन में भारत की तरह लोकतंत्र नहीं है, इसलिए इस देश में यह कभी पता नहीं लगता है कि यहाँ फैसले लेने वाला कौन है। एक तरह से इस देश में वार्ताकार और नीतिकारों के बीच में एक पर्दा रहता है। इसलिए यह सोच लेना कि चीन पीछे हट रहा है कहीं ना कहीं अति आत्मविश्वास जैसा ही साबित होगा। पर सवाल यही है कि क्या दोनों देश किसी संघर्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। इस मुद्दे पर आगे बढ़ने से पहले यह भी जान लेते हैं कि एलएसी पर ताजा हालात क्या है। भारत और चीन के विवाद की वजह पेंगोंग त्सो लेक के 8 फिंगर पॉइंट है। यह फिंगर पॉइंट इस इलाके में मौजूद पहाड़िया है। 135 किलोमीटर लंबी पेंगोंग त्सो झील के 8 फिंगर पॉइंट पर भारत अपना दावा करता रहा है, लेकिन चीनी सेना 5वीं फिंगर पॉइंट तक पहुंचने के प्रयास में है। भारत ने चीन को यही इलाका खाली करने को कहा है। अब अगर चीन के साथ आगे की बातचीत असफल रहती है और चीनी सेना इस इलाके को खाली नहीं करती है तो भारत की तरफ से कार्रवाई तय है। यकीनन चीनी सेना के लिए यह एक बहुत बड़ी चोट होगी। भारत की सेना को युद्ध का अनुभव होने के साथ एक प्रोफेशनल आर्मी का तमगा भी उसके पास है। शायद यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र भी दुनिया में किसी भी मिशन के लिए सबसे पहले भारतीय सेना को आमंत्रित करता है, जबकि चीनी सेना इस मामले में बेहद ही निम्न स्तर की सेना मानी जाती है। उसके पास हथियार जरूर है, मगर युद्ध के लिए रणनीतियां बनाने और उन्हें अंतिम परिणाम तक ले जाने की काबिलियत उसके पास नहीं है। यही वजह है कि 1962 से आज तक एलएसी पर एक भी गोली नहीं चली है। चीन जानता है कि भारतीय सेना से मुकाबला करने की क्षमता उसकी सेना में नहीं है। भारत का एक सैनिक 10 चीनी सैनिकों पर भारी है। शायद यही खोप चीन को हर बार पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। चीनी सेना फिंगर 4 से पीछे हटती है या नहीं, आने वाले दिनों में इसका फैसला दोनों देशों की बातचीत से साफ हो जाएगा। 2017 का डोकलाम विवाद 73 दिन चला था, मगर लगता यूं है कि भारत इसे लंबा खींचने के मूड में नहीं है। यानी चीनी सेना के नहीं हटने पर उसे भारत के एक्शन के लिए तैयार रहना चाहिए। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।